अफगानिस्तान में 50,000 सिख परिवार थे, 50,000। मैं नहीं कह रहा, न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है, वॉशिंगटन पोस्ट कहता है, रॉयटर कहता है कि टुडे ओनली 2,000 फैमिलीज ऑफ सिख्स आर देयर इन अफगानिस्तान। कहां चले गए वो लोग, कहां चले गए? पाकिस्तान में हिंदुओं की, बौद्ध की, जैन की, सिख की, पारसी की, ईसाई की संख्या 23% थी। आज पाकिस्तान में हिंदू की, बौद्ध की, सिख की, ईसाई की जनसंख्या घट करके 3% रह गई। कहां चले गए 20% लोग, कहां चले गए? क्या उनका धर्म परिवर्तन हो गया? क्या उनको भगा दिया गया? क्या वो अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए भारत आए? दुनिया जानना चाहती है। बांग्लादेश में हिंदू की, बौद्ध की, सिख की, ईसाई की संख्या 23% थी, आज घट करके 7% हो गई। कहां चले गए वो लोग, कहां चले गए? और मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ एक काम किया और अमित शाह जी उसके सूत्रधार बने कि जो लोग भारत में आ गए हैं वो जाएंगे कहां? उनका घर भारत है, उनको हम इज्जत के साथ जीने का इंतजाम करेंगे और उनको हम नागरिकता प्रदान करेंगे। ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया है। आप बताइए, इस फैसले के कारण बेचारे शिक्षा नहीं ले सकते थे, मकान नहीं खरीद सकते थे, लेकिन हां